हेलो बच्चों स्वागत है आज के क्लास में और आज हम आपके लिए बहुत ही मैथमेटिक्स में टॉप फाइव प्रोबेबिलिटी में चैप्टर है बच्चों प्रोबेबिलिटी और इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन इसमें टॉप फाइव लेकर आए हैं जो बच्चों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा तो देखिए बच्चों हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहता है ठीक है कहता है बच्चों ये हमारा पहला नंबर प्रश्न है ये हमारा ना ये पहला नंबर प्रश्न है ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कहता है एक पासे को दो बार उछाला जाता है और प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया गया है तो संख्या चार के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है यानि कि ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर आधारित प्रश्न है बच्चों जो एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में आता है तो बच्चों चलिए हम पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है ठीक है तो देखिए इसकी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए जा रहे हैं ठीक है क्वेश्चन को हम आगे रखते हैं फिर बच्चों इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे ठीक है देखिए क्वेश्चन के कहता है बच्चों एक पासे को एक पासे को दो बार उछाला गया है एक पासे को क्या किया जाता है दो बार उछाला जाता है ठीक है तो सपोज दैट मान लिया जाए इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा कि सपोज दैट ये हमारा बच्चों पहला डाइस है ठीक है ये हमारा क्या है ये हमारा पहला डाइस यानी कि फर्स्ट डाइस है ठीक है और ये है बच्चों हमारा सेकेंड डाइस ये हमारा क्या है तो सेकेंड डाइस है बच्चों ठीक है ये हमारा सेकेंड डाइस है तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहले डाइस में छह फलक होते हैं तो दूसरे डाइस में भी हमारा छह फलक होते हैं तो यदि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कहा जाए ठीक है तो चूंकि हम जानते हैं कि एक से अधिक कार्यों के बाद करने के बाद एक पूर्ण कार्य होता है तो मल्टीप्लिकेशन रूल चलता है बच्चों इसलिए सिक्स इंटू सिक्स ये हो जाएगा हमारा थर्टी सिक्स ने टोटल पॉसिबिलिटी जो हो जाएगा बच्चों हमारा ये हो जाएगा थर्टी सिक्स ओके चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कहता है इसमें दो प्रकार की घटनाएं हैं पहला कहता है बच्चों प्रकट हुई संख्याओं का योग जो है ना ये हमारा छह पाया गया है दूसरा कहता है संख्या चार के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें यानी कि इसमें दो तरह के घटना दिया गया बच्चों एक घटना हमारा नोन है यानी कि ज्ञात है एक अनोन है तो सबसे पहले हम एक ई घटना लेते हैं ठीक है ई घटना लेते हैं जिसको हम रखते हैं कि संख्या संख्या चार के न्यूनतम न्यूनतम एक बार एक बार आने की घटना एक बार आने की घटना ठीक है यानी कि चार जो है हमारा एक बार आएगा उसके लिए देखिए हमारा क्या हो सकता है <bastards câowania> बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों ये पहले पासे पर यदि चार आएगा तो दूसरे पे एक आ सकता है पहले पासे पे चार आएगा तो दूसरे पासे से दो आएगा पहले पासे से चार आएगा तो दूसरे से तीन आएगा पहले पासे से चार आएगा तो दूसरे पे भी चार आ सकता है पहले पे चार आएगा दूसरे पे पाँच आ सकता है और पहले पे चार आएगा तो बच्चों दूसरे पर छः आ सकता है ठीक है इसके अलावा हमारा पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है तो उल्टा हो सकता है पहले एक और चार फिर हो सकता है बच्चों दो और चार फिर हो सकता है बच्चों तीन और चार फिर हो सकता है बच्चों हमारा चार चार तो है ही पाँच और चार और फिर हो सकता है बच्चों हमारा कि छः और चार होगा तो ये हमारा ई घटना माने है इसी की प्रायिकता निकालनी है बच्चों ठीक है इसको हमने ई माना है यानी कि नंबर ऑफ ई जो हमारा आ रहा है ये आ जाएगा बच्चों एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह ठीक है ये हमारा एलेवन आ गया ठीक है ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक है और हमारा देखिए दूसरा हमारा जो घटना है जो हम नोन है जिसे हम जानते हैं, हैं लिखा हुआ है प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया गया है इसको हम एफ घटना लेते हैं इसको हम क्या लेते हैं एफ घटना लेते हैं इसमें है कि प्रकट हुई संख्याओं का योग प्रकट हुई संख्याओं का योग प्रकट हुई संख्याओं का योग जो है बच्चों ये हमारा है चार आ सॉरी छ आने की घटना छ आने की घटना ये हमारा दूसरा घटना है ये हमें ज्ञात होता है बच्चों ये हमें क्या होता है ज्ञात होता है यानी कि मालूम होता है ठीक है आगे बढ़े <स्थाँग> अब देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या हो सकता है <स्थाँग> ओके बच्चों चलिए अब हमारा देखते हैं कि इसमें क्या क्या नंबर आप आ सकते हैं छ हमारा दोनों पर मिल के संख्याओं के योग कैसे आ सकता है तो पहले पर ले लेते हैं दो दू, दूसरे पर चार फिर ले लेते हैं बच्चों हम चार और दो ठीक है फिर हम ले लेते हैं तीन और तीन ठीक है फिर हम ले लेते हैं एक और पाँच और फिर ले लेते हैं बच्चों पाँच और एक ठीक है तो हमारा चूँकि छ अंक होता है किसी भी डाइस पर अधिकतम न्यूनतम एक होता है हो जाएगा दो चार चार दो तीन तीन एक पाँच और ये पाँच और एक ठीक है और तो इसके अलावा कोई हो नहीं सकता है तो नंबर ऑफ़ एफ यानी एफ जो घटना ज्ञात है ये हमारा हो गया तीन दो और यह हो गया बच्चों पाँच ठीक है अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है तो सबसे पहले इसमें निकाल लेते हैं बच्चों ई इंटरसेक्शन एफ ठीक है तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या हमारा दोनों में शामिल है तो देखिए चार दो इसमें भी है तो चार दो इसमें भी है ठीक है दो चार इसमें भी है तो दो चार इसमें भी है और कौन देखते हैं ठीक है और हमें इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा है ठीक है इसका मतलब ई इंटरसेक्शन F बराबर जो होगा बच्चों ये सिर्फ होगा दो चार और ये हो जाएगा बच्चों चार दो ठीक है यानी कि नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो होगा बच्चों ये हमारा दो होगा अब क्वेश्चन जरा देखिए क्या कहता है क्वेश्चन यही कहता है कि जब हमें एफ घटना घट चुका होता है तो ई e की प्रायिकता निकालनी है ठीक है इसका फॉर्मूला होता है बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टा जो होता है ना ये बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है या कह सकते हैं इसको हम नंबर ऑफ़ ई इंटरसेक्शन एफ और बट्टा होता है बच्चों नंबर ऑफ़ एफ होता है ठीक है यानी कि यह हो जाएगा दो और ये हो जाएगा बट्टा पाँच और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अक्सर एग्जामिनेशन में आता है ठीक है और ये हमारा क्वेश्चन ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि डिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है यानी कि हमारा आश्रित घटना पर आधारित प्रश्न है ये हमारा क्या है आश्रित घटना ठीक है आश्रित घटना पर आधारित प्रश्न ये बच्चों ठीक है तो इस तरह का प्रश्न आप कर लोगे ठीक है <coughs> ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न को देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर दो हमारा किस प्रकार से आएगा एग्जामिनेशन में ओके बच्चों आगे बढ़े जितने भी क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है बच्चों ये एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफी वीवीआई आई प्रश्न है ओके बच्चों चलिए देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया होगा ठीक है कि देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सबसे पहले क्वेश्चन के बारीकियों को समझेंगे क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे कहता है बच्चों कि बावन पत्तों की एक गड्डी इसको अच्छी तरह से फेंटी गई है गड्ढों में, में से एक के बाद एक तीन बिना प्रतिस्थापित किए ये हमारा शब्द जो है ना बिना प्रतिस्थापित किए निकाले गए हैं तो पहले दो पत्तों का बादशाह होना और तीसरे पत्ते को इक्के होने की प्रायिकता ज्ञात करें ठीक है तो हम पहले ले लेते हैं एक घटना पहला ले लेते हैं बच्चों हम केवन ठीक है इसका मतलब ले लेते हैं कि प्रथम पत्ता जो है ठीक है प्रथम पत्ता बादशाह होने की घटना बादशाह होने की घटना ओके के टू बराबर ले लेते हैं बच्चों कि द्वितीय पत्ता ठीक है द्वितीय पत्ता जो है ये भी बादशाह होने की घटना ठीक है और तीसरा पत्ता जो है ठीक है इसको ए ले लेते हैं ये तृतीय पत्ता जो है तृतीय पत्ता बच्चों हमारा इक्का होने की घटना ठीक है और ये क्वेश्चन जो बच्चों है ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट पर आधारित है इंडिपेंडेंट होता है। इवेंट पर आधारित प्रश्न ये ठीक है इसको बोलते हैं हम स्वतंत्र घटना ठीक है ओके तो ये हमारा के वन के टू और के थ्री हमने ले लिया अब इसे बच्चों है कि बिना प्रतिस्थापित किए तीनों पत्ते एक के बाद एक निकाले जाते हैं ठीक है तो इसमें जो कंडीशन है उसको देखा जाए फिर क्वेश्चन को हम आगे सोल्यूशन करते हैं ठीक है तो देखिए बिना प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए इसमें जो है हमारा बावन ताश का पत्ता है बावन ताश का क्या है बत्तो बच्चों पत्ता है ठीक है तो हम निकालते हैं केबन की प्रायिकता ठीक है तो केबन की प्रायिकता तो हमारा बादशाह जो है ये हमारा टोटल चार होता है ठीक है तो ये हो जाएगा चार टोटल पत्ते होते हैं बावन ठीक है यानी ये हो जाएगा बच्चों एक बटा तेरह अब इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है बिना प्रतिस्थापित किए ठीक है बिना प्रतिस्थापित किए बिना प्रतिस्थापित किए इसका मतलब हम ढूंढेंगे कि इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों ठीक है तो देखिए इसका मतलब क्या होगा बिल्कुल साफ़ है कि जब हम इससे एक पत्ता हम निकाल लेंगे ठीक है इससे हम क्या करेंगे एक पत्ता निकाल लेंगे और उसके बाद इसमें पत्ते को नहीं रखना है तो हम दूसरा पत्ता निकालेंगे ठीक है यानी कि हम दूसरा पत्ता यदि भी बादशाह होने की प्रायिकता निकालेंगे तो बच्चों टोटल हमारा है ना टोटल हमारा क्या होता है चार किंग होता है ठीक है इसमें हमने एक ड्रॉ कर दिया बाकी बच गया तीन किंग ठीक है तो ये हो जाएगा तीन किंग और एक पत्ता पहले से ड्रॉ कर लिया जिसको हमको नहीं रखेंगे तब दूसरा पत्ता निकालना है तो यहाँ हो जाएगा बच्चों इक्यावन ठीक है ये हो गया के टू की प्रायिकता फिर क्या कहता है ना कि फिर हम क्या करेंगे ना एक पत्ता और निकालेंगे इसका मतलब यहाँ पे पत्ता हमारा बच गया था इक्यावन यहाँ पर पत्ता हमारा बच गया पचास लेकिन अब की बार जो है ना हम वो इक्का का पत्ता निकालेंगे यानी हमारा एक ही प्रायिकता निकालनी है तो इसमें चार इक्का होता है बच्चों ठीक है और चूंकि हमारा दो पत्ते निकल चुके हैं उसको नहीं रखना है दूसरा पत्ते तो तीसरा पत्ता हमको निकालना है ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा ये चार बटा पचास और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है सीधी सी बात है क्वेश्चन बड़ा साफ है की कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ के वन इंटरसेक्शन के टू और इंटरसेक्शन जो है हमारा ए कहता है ठीक है शॉर्ट में इसको ले सकते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ के वन के टू और ये ठीक है और चूंकि ये स्वतंत्र घटना है ये हो जाएगा के वन की प्रायिकता गुने के टू की प्रायिकता गुने और बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक की प्रायिकता, ठीक है यानी कि यहाँ हो जाएगा एक बटा तेरह और गुने जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीन बटा इक्यावन और गुने जो हो जाएगा ये चार बटा पचास तो ये सतर ते यावन होता है बच्चों यानी चार बटा ये हो जाएगा तेरह गुने सत्रह और गुने ये पचास हो जाएगा ओके <coughs> okay. अब हम गुना करते हैं तो सत्रह पचे पचासी होता है पचासी से यदि तेरह में हम गुना करेंगे और कटेगा ठीक है ये दो बार में कटेगा और ये हमारा पचासी बार हो में कटेगा यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे दो और बट्टा ठीक है ये हो जाएगा हमारा सत्रह गुने पच्चीस ठीक है सत्रह गुना पच्चीस करते हैं सत्रह पचे पचासी और ये सत्रह दुनी चौंतीस ये हो गया पाँच आठ चार बारह चार सौ पच्चीस और गुने तेरह करते हैं तो पाँच ते पंद्रह दो तीय छः एक सात चार तीय बारह और पाँच दो और चार ये हो जाएगा पाँच सात पाँच बारह और ये हो जाएगा दो दो हमारा हो जाएगा चार एक पाँच और पाँच एक छ हो जाएगा ठीक है ये दो बटा छः पाँच दो पाँच और यही हमारा बच्चों फाइनल आंसर होगा ठीक है ये बड़ा सीधा सवाल था बच्चों चूँकि ये हमारा स्वतंत्र घटना पर आधारित प्रश्न है इसमें एक दूसरे पर इवेंट पे हमें कोई मतलब नहीं और चूँकि क्वेश्चन में हमारा था बच्चों ना कि बिना प्रतिस्थापित किए यानी कि जो हम कोश, पत्ता को निकाल लेंगे उसको दोबारा नहीं रखना है तब फिर हम दूसरे पत्तों को निकाल लेंगे फिर उसको नहीं रखना है फिर तीसरे पत्तों को वहाँ से निकालना है ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया तो क्योंकि बच्चों आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हम आपके सामने रख रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर तीसरा ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है बच्चों ठीक है इसको देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा ठीक है दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कहता है दो गेंद एक बक्से से बिना प्रतिस्थापित किए ये हमारा क्वेश्चन नहीं है इसका आंसर ये होगा ठीक है यानी कि ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बिल्कुल इतमान से देखना है क्वेश्चन के बच्चों यह एन बुक में हिंदी मीडियम वाले में गलत लिखा हुआ है और एन में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है विथ इस प्लेसमेंट किया हुआ है ठीक है तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहता है मान लिया जाए बच्चों ये हमारा कोई बक्सा है ठीक है ये हमारा क्या ना कोई बक्सा है और इस बक्से में हमारा दस जो है ना ये हमारा ब्लैक बॉल है और हमारा एट जो है ना ये हमारा रेड बॉल है ठीक है अब क्या है इसका कहना क्या है ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक ले लेते हैं बच्चों b बराबर गेंद पहला क्वेश्चन हम सोल्व करने रहे हैं ठीक है ऐसा करते हैं ई एफ एफ ले, ले आर वन आर टू ले ले नहीं हाँ वही ले लेते हैं आर वन बराबर ले लेते हैं बच्चों की पहला गेंद पहला गेंद लाल होने की घटना ठीक है और आर टू बराबर ले लेते हैं कि दूसरा गेंद भी लाल होने की घटना ठीक है इसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात की जाए तो टोटल तो हो तो जाएगा दस आठ अठारह ठीक है तो यहाँ पर बच्चों हमें निकालना है क्वेश्चन नंबर पहला में कि वन इंटरसेक्शन आर टू ठीक है चूंकि यह स्वतंत्र घटना है इसलिए हो जाएगा आरबन की प्रायिकता गुने हो जाएगा बच्चों आर टू की प्रायिकता क्यों होगा चूंकि हमारा आरबन और आर टू जो है ना ये हमारा स्वतंत्र घटना है ओके चलिए बच्चों अब आर्बन की प्रायिकता क्या होगी तो कहता है ना कि पहला गेंद जो है ना लाल होने की घटना तो इसमें टोटल बच्चों आठ बॉल है आठ में से एक निकाल लिए और उसमें हम बट्टा अठारह अब देखिए क्या कहता है इसमें इसमें कहता है ना बच्चों कि की प्रतिस्थापित किए यानी कि विथ रिस्प्लेसमेंट यानी कि पहला बॉल इससे हम निकालेंगे पहला बॉल इससे हम निकालेंगे ठीक है तो फिर से क्या करना है उस बॉल को फिर से इसी में रख देना है ठीक है इसका मतलब रेड गेंद के संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो R2 टू की भी जो प्रायिकता होगी ना टोटल आठ का आठ ही रेड रह गया और टोटल अठारह का अठारह ही रह गया ये हो जाएगा चार बटा नौ और उन्हें ये चार बटा नौ और ये हो जाएगा बच्चों सोलह बटा इक्यासी और यही हमारा आंसर होगा ठीक है इसमें ठीक है अब हम देखते हैं बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न इसमें कि इसका दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है ठीक है क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि प्रथम गेंद प्रथम गेंद प्रथम गेंद काली एवं दूसरी गेंद लाल होने की प्रायिकता लाल होने की प्रायिकता यही निकालना है हमको ठीक है तो देखिए प्रथम गेंद काली होने की घटना को हम बी लेते हैं और दूसरी गेंद लाल होले की घटना को हम आर ले लेते हैं हमें निकालना है बच्चों बी इंटरसेक्शन आर यानी कि बी की प्रायिकता और गुने आर की प्रायिकता इसमें भी बिथ रिप्लेसमेंट है बच्चों प्रतिस्थापित किए हैं यदि हम इससे हम पहला गेंद निकाल लेते हैं ठीक है ना इससे हम एक गेंद निकाल लेते हैं ठीक है तो उसको यह टोटल हमारा है ना दस गेंद था दस में से ये को निकालेंगे तो उसकी निकाल प्रायिकता होगी दस बटा अट्ठारह और गुने और जो गेंद इससे हम निकाल लेंगे फिर से उसी को इसी में रख देंगे ठीक है और तब हम रेड गेंद निकालेंगे तो हमारा रेड का तो रेड ही रह जाएगा ठीक है और तो टोटल अठारह का अठारह ही रह जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों पाँच बटा नो और गुने हो जाएगा चार बटा नौ तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा बीस बटा और यही हमारा आंसर होगा यह हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ठीक है अब चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लिया जाए ठीक है देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है कहता है कि एक काली एक काली तथा दूसरी लाल होने की घटना ठीक है तो देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें हमको मान लिया जाए पहले हम ब्लैक बॉल निकालें तब फिर हम रेड बॉल निकालेंगे या फिर पहले हम रेड गेंद निकालेंगे या फिर हम ब्लैक बॉल निकालेंगे ठीक है तो चूंकि स्वतंत्र घटना है बच्चों ये हो जाएगा B की प्रायिकता गुने आर की प्रायिकता और प्लस ये हो जाएगा आर की प्रायिकता गुने बी की प्रायिकता और टोटल यहाँ पर क्या है ना कि बिथ रिप्लेसमेंट है बिथ <स्थित> रिप्लेसमेंट है यानी कि जो गेंद निकाल लेंगे फिर से उसको रख देंगे तब गेंद निकालना है यानी कि सीधी सी बात है ये हो जाएगा दस बटा अठारह और गुने ये हो जाएगा आठ बटा अठारह और प्लस ये हो जाएगा आठ बटा अठारह और गुना ये हो जाएगा दस बटा अठारह ठीक है यानि कि हो जाएगा ये हमारा चार बटन नौ ठीक है पाँच बटन नौ सॉरी पाँच बटन नौ गुने चार बटा नौ और प्लस ये और हो जाएगा चार बटन नौ और गुण हो जाएगा पाँच बटन नौ यानि हो जाएगा ये चालीस और बटा हो जाएगा इक्सी और यही हमारा आंसर होगा बच्चों ठीक है ये सब प्रश्न काफी खास प्रश्न है जिसको हमने सेलेक्ट किया है आपके एग्जामिनेशन के लिए ठीक है ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं और भी बेहतरीन प्रश्न को लेकर ठीक है अभी एक से एक प्रश्न अभी मिलेगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना ये चौथा ठीक है देखिए बच्चों चौथा क्वेश्चन भी आपको दिख गया होगा ये बहुत खास प्रॉब्लम है बच्चों और ये हमारा ना बेयर्स थ्योरम पर आधारित है ये हमारा बेयर्स थ्योरम पर आधारित प्रश्न है बच्चों जो एग्ज़ामिनेशन में आता है देखिए क्या कहता है इसमें कहता है दो थैले पहले और सेकेंड दिए गए हैं तो देखिए पहले हम थैला बना लेते हैं ये हमारा बच्चों पहला बैग है फर्स्ट बैग और इस बैग में जो है हमारा तीन रेड और चार ब्लैक बॉल है ठीक है दूसरा हमारा जो सेकेंड बैग है ठीक है इसमें हमारा पांच रेड और काली गेंद है ठीक है तो देखिए कहता है कि एक कि किसी एक थैले को यादृच्छिक चुनकर एक गेंद निकाली जाती है जो कि हमें प्राप्त होता है कि यह लाल रंग की है ठीक है तो कहता है इस बात की क्या प्रायिकता हो कि यह गेंद दूसरे थैले से निकाली गई है ओके बच्चों चलिए बच्चों ठीक है कहानी का कंसेप्ट मिल गया तो इसमें हम कुछ घटना लेते हैं जिसको हम अलग से लिखते हैं ठीक है पहले हमको इसमें बैग को सिलेक्ट किया जाएगा बच्चों ईवन बराबर जो लिखते हैं लिखते हैं प्रथम बैग ठीक है चुनने की घटना ठीक है दूसरा लेते हैं बच्चों ई टू बराबर दूसरा बैग चुनने की घटना और ए बराबर जो लेते हैं यह है कि निकाला गया गेंद निकाला गया गेंद लाल होने की घटना ठीक है होने की घटना इसमें एक चीज़ याद रखना है बच्चों कि ए हमेशा उसी को मानना है जो हमें पता है जो हमें पता है कि जो हमने गेंद निकाला बच्चों उसमें से वह हमारा लाल है तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है ठीक है तो क्वेश्चन कहता है कि यह गेंद थैले से निकाले गए है इसका मतलब हमारा क्या है ना ये ई टू बाई और ए कहता है ठीक है चूँकि हमें पता है कि हमारा जो गेंद निकाले वो हमारा लाल है और वो कहाँ से निकालना है सेकेंड बैग से ठीक है यही हमारा क्वेश्चन कहता है ओके ठीक है तो देखिए अब इसका कहानी कैसे आगे बढ़ेगा क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा तो ये हमारा प्रथम बैग चुनने की जो घटना है बच्चों ईवन की प्रायता चूंकि दो ही हमारा बैग है तो एक बटा दू, और दूसरे बैग की भी हमारे दूसरे बैग की भी हमारे चुनने की जो प्रायिकता होगी बच्चों ये भी हमारा एक बटा दू होगा ओके ठीक है ओके बच्चों अब हमारा ये क्वेश्चन जो कहता है इसका हम सॉल्यूशन निकालने वाले हैं तो हमारा फेवरेबल क्या है बच्चों कि हमको सेकेंड बैग से निकालना है इसलिए हो जाएगा सबसे पहले हमने क्या किया कि ई टू बैग को चुना और दूसरे दूसरे बात हमने क्या किया कि हम दूसरा बैग तो चुन लिए और उससे निकाला गया गेंद हमारा लाल था और बटा टोटल प्राइक था यानी कि हो जाएगा पहला दूसरा बैग चुनने की प्राइकता और उसके बाद हमने दूसरा बैग चुना और उससे हमने लाल गेंद निकाला और प्लस अब हम पहले बैग चुनेंगे और दूसरे में क्या है कि पहला बैग हमने चुन लिया और उससे में, में रेड गेंद निकाल लिए ठीक है तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया लेकिन इसमें दो प्रमुख जो रह गया निकालने का उसको हम बक्से में निकाल देते हैं तो पहला है हमारा ए बाय ईवन ठीक है तो ए वन तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमको रेड गेंद निकालना है बच्चों उसकी प्रायिकता निकालना है पहले बैग से तो पहला में तीन गो रेड है और टोटल हो गया चार तीन सात यदि हम दूसरा बैग चूज करते हैं उससे हम लाल गेंद निकालते हैं दूसरा बैग में हमारा लाल गेंद है हमारा पाँच और टोटल हो जाएगा पाँच बटाई ग्यारह ठीक है ओके अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में रखते हैं यह हो जाएगा पाँच बटाई ग्यारह सॉरी एक बटा दो है ना एक बटा दो गुने पाँच बटा ग्यारह और बट्टा ये हो जाएगा एक बटा दो गुने पाँच बटाए ग्यारह और प्लस फिर हो जाएगा एक बटा दो गुने ये हो जाएगा तीन बटा सात ठीक है अब आगे हल करेंगे तो हो जाएगा पाँच बटा बाईस और बट्टा तो ये तो हो जाएगा बच्चों पाँच बटा बाईस और प्लस तीन बटा चौदह ठीक है तो यहाँ पर हम आ, बाईस और फोर्टीन का एल्शियम लेते हैं दो जगह है ग्यारह गुने सात दो गुने ग्यारह गुने सात ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा पाँच बटा बाईस और बट्टा यह हो जाएगा दू गुने ग्यारह गुने सात तो यहाँ हो जाएगा दिनों बाईस सात पंच पैंतीस और प्लस सात नौ चौदह यानी कि ग्यारह तीह तेतीस यानी हो जाएगा पाँच बट्टा बाईस और गुने दो गुने ग्यारह गुने सात ठीक है दो गुने ग्यारह गुने सात और बट्टा बट्टा ने सॉरी ये हो जाएगा हमारा पैंतीस और तीन आ, आ, ठीक है पैंतीस पाँच तीन आठ तीन तीन, तीन छो अड़सठ हो जाएगा ये बाईस बाईस कट गया ठीक है और ये हो जाएगा बच्चों हमारा सात बच्चे पैंतीस और बट्टा हो जाएगा सिक्सटी एट यही हमारा आंसर हो जाएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बड़ा अच्छा सवाल था बच्चों बेयर्स थ्योरम पर आधारित ये प्रश्न था इसको हमने निकाल लिया अच्छे तरीके से